सारा चोरी किसके वजह से हो रहा है? और ट्रांजेक्शन टैक्स एक ऐसा सिस्टम है, इसकी इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? हमारे देश का नेतवा एगो तो इसको लाएगा नहीं, लाएगा तो अचानक लेके चलाएगा, और इससे एक को रुपया चोरी नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स की आज तक चोरी ही नहीं हुई, जबकि 99% लोग क्या दे रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सारा चोरी किसके वजह से हो रहा है? इनकम डायरेक्ट। इसमें क्या है, इनकम टैक्स का नया नया अधिकारियों को भरो, अब वो कुछ रिश्वत ले लेते हैं, इतना दो इतना सेटल हो जाता है, सरकार के पास जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता जा पाता। तो पर कैपिट पर ट्रांजेक्शन टैक्स एक ऐसा सिस्टम है कि छोटा छोटा अमाउंट, यार बफरिंग क्यों कर रहा है इतना आज, थोड़ा कभी कभी हो सकता है बाबू एक आध सेकेंड के लिए। पर ट्रांजेक्शन टैक्स छोटे छोटे चीजों पर बार बार क्या किया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। इसकी इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? तो इसको ट्रायल बेसिस पर डाला जा सकता है। किस तरह से ट्रायल बेसिस पर डाला जा सकता है? किसी खास चीज पर। कैसे? जैसे मोबाइल हर इंसान खरीद रहा है, इनकम टैक्स को रहने दीजिए, लेकिन मोबाइल वाला चीज को किस में डाल दीजिए? पर ट्रांजेक्शन टैक्स। अब इससे देखिए कि क्या उस मोबाइल वाले सिस्टम पे सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो खरीदता है 10,000 का, वो कभी भी 200 रुपया के लिए किचकिच नहीं करेगा। आजकल मोबाइल 10,000 का अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत महंगा हो गया है मोबाइल। इस पर ट्रांजेक्शन टैक्स को पूरे देश पर एक बार थोप देना चाहिए, या किसी एक दो सामान पर चेक करके, और उस सामान को उसी पे थोपिए जिसको अमीर लोग वेयर कर सकते, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कोई लग्जरियस आइटम हो गया, विदेशी फूड वाला कुछ भी हो गया, KFC हो गया, या फिर ये सब बड़ा बड़ा चीज हो गया। तो धीरे 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 एक 5 से 7 साल का टारगेट रखना चाहिए कि कुछ चीजों से इनकम टैक्स को हटा के किस में डाल देना चाहिए, PTT पे, और धीरे 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 ट्रांजिट करके अचानक होना चाहिए। हमारे देश का नेतवा एगो तो इसको लाएगा नहीं, लाएगा तो अचानक लेके चलाएगा अचानक लेके चलाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ जाए तो PTT समझ में आ रहा है क्या होता है? पर ट्रांजेक्शन टैक्स। आपको पता चलेगा? नहीं पता चलने वाला। ट्रांजेक्शन जैसे जैसे करते रहिए टैक्स, और इससे एक को रुपया चोरी नहीं होगा, एक भी चोरी नहीं होगा, और ज्यादा टैक्स ला देगा, क्योंकि किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, आप उस पर 30% इनकम टैक्स मार दिए, उसके पास कितना बचा? 70 लाख बचा। उसको कितना दिक्कत हुआ, उस बार बार गरियाएगा, हमारा 30 लाख चल गई, 30 लाख डायरेक्ट ले गया। देखो बात यहाँ ये है ना कि आप कितने गलत है ये मायने नहीं रखता है, पता कितना है लोगों को आपके बारे में ये ज्यादा मायने रखता है। समझ आएगी नहीं आ गया है? नहीं तो तू लोग ऐसा ऐसा कांड किया है लोग कि पता घर वालों को चल जाएगा तो आजे भगा देगा। नहीं समझ आ गया? तो बस वैसे ही इनकम टैक्स में भी होता है, इनडायरेक्टली कितना लिया है किसी को पता ही नहीं चलता है, लेकिन डायरेक्ट कितना ले लिया है। अब तो 1 करोड़ में से इसको कितना ले लिया है? इसके पास 70 लाख बचा है, इसके लिए नहीं होगा उसको दिक्कत, कहेगा कि कमाए तो हम 1 करोड़ थे ना, 30 लिया। अब देखिए, एक तो गवर्नमेंट के नजर उसके लिए गवर्नमेंट खलनायक बनने लगा, दूसरा हो गया कि अभी उस 70 लाख बचा इस पर उसको टैक्स नहीं देना। लेकिन जब हम PTT लाएंगे पर ट्रांजेक्शन टैक्स, तो बताइए ये 1 करोड़ रुपया आज नहीं तो 10 साल बाद या 100 साल बाद या जब भी है, कभी ना कभी तो खर्च करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और पर ट्रांजेक्शन टैक्स ले लेके हम उस पर 100% पे टैक्स लगाएंगे, और अभी कितना लग रहा है? 30%। और इससे रोजगार भी लगेगा, सब चीज हो सकता है यहाँ पे। तो एक नए सिस्टम को सबके साथ होता है क्या ये? पेमेंट किसी पे भी सक्सेस हो सकता है, कैश पे तो कोई भी चीज, छोटी चीज आजकल तो छोटे चीज को ना कैश में ले सकते हैं, बड़ा चीज तो वैसे भी आदमी ऑनलाइन से ही लेता है।